इस लेसन में हम ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी टाइमलाइन में वीडियो मौजूद है और उस वीडियो पर हमने एक टाइटल भी ऐड किया हुआ है। आप जो भी टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर टाइटल और दूसरा वीडियो वाला सेक्शन है, तो आपने वीडियो में आना है। वीडियो में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्पोजिशन वाला सेक्शन। कम्पोजिशन वाले सेक्शन में यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड मौजूद है, तो ब्लेंडिंग मोड पर क्लिक करेंगे तो ये अभी डार्कन है, तो हम नॉर्मल करते हैं तो ये नॉर्मल हो गया। फिर अगर हम डार्कन करें तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्कन हो जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई पर क्लिक करें तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कलर बर्न भी आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि ये लाइट एरिया है तो इस लाइट एरिया पर कलर जो है वो थोड़ा सा बर्न हो जाएगा। और उसके अलावा लीनियर बर्न ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा लाइटन, बिल्कुल लाइट हो गया कलर ये यहाँ से गया, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है बिल्कुल लाइट कलर है, तो इसलिए लाइटन जो हम इस्तेमाल करते हैं तो नज़र हमें नहीं आएगा। उसके अलावा स्क्रीन, तो ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये लोगों की तरह नज़र आएगा। कलर डार्ज भी आप कर सकते हैं, तो मैं इसे फिलहाल डार्कर ही रहने देता हूँ ताकि हमें ये दिखाई दे, तो ये आप कर सकते हैं। और हम अगर ओपेसिटी को देखें तो यहाँ पर ओपेसिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका नाम है या टाइटल है वो नज़र आए, तो आप उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप प्लेस करना चाहें तो वहाँ पर आप इसे प्लेस कर सकते हैं। दरमियान में प्लेस करना चाहे, जैसा कि कॉपीराइट इशू होती है तो कॉपीराइट इशू यहाँ पर नहीं आएगी और कोई और आपका वीडियो जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। तो इसके लिए आप बैकग्राउंड में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपेसिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो हम इसके अलावा इमेजेस को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इमेजेस के भी हम कलर ब्लेंडिंग और ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इमेजेस में जाऊँगा अपने मीडिया फोल्डर में। यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है, तो मैं इसे यहाँ पर ऐड करता हूँ। कंट्रोल जेड करेंगे, मैं इस पिक्चर को यहाँ से लेकर आऊँगा और यहाँ पर प्लेस करूँगा ताकि आपको दिखाई दे हमारा पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, उसी सेक्शन में यहाँ पर आ जाएंगे ब्लेंडिंग मोड वाली। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो ये नॉर्मल है, डार्कर करते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं डार्कर हो गया। और उसके अलावा हम अगर मल्टीप्लाई को चेक करें तो ये भी आप कर सकते हैं, कलर बर्न भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा लीनियर बर्न और लाइटन अगर हम करें तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन और आखिरी ऑप्शन है कलर डार्क, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मुझे इनमें से पसंद जो है वो ये वाला आ गया कलर बर्न। तो यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्केच जो है यहाँ पर बन चुका है। आप अपनी वीडियो को भी यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से दिखाई देगा। उसके अलावा ओपेसिटी को भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर ओपेसिटी वाला ऑप्शन मौजूद है, तो इस ओपेसिटी को भी आप अगर कम करें तो ये जो गोट है वो क्लियरली नज़र आ जाएगी यहाँ पर। ओके पर क्लिक करेंगे और उसके अलावा इसे दोबारा हम प्ले करेंगे तो ये हमारी ओपेसिटी अप्लाई हो चुकी है यहाँ पर।